सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू योर ओन चैनल अननोन टीचर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए मैथ्स ट्रिक्स बाइनोमियल थ्योरम एंड ट्रिक का नाम हमारा एनी टर्म कैन नॉट हार्म। मींस कोई भी टर्म अगर हमसे पूछा जाता तो हमें उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, यहाँ पे हमको दिया हुआ है जैसे कोई भी ऐसा करके टर्म हमको दिया हुआ है एक्स रेस्ट टू पावर ए प्लस वन बाई एक्स रेस्ट टू पावर बी रेस्ट टू पावर एन देन कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर कैपिटल है। देन आपको पता है क्या कि कोफिशियंट जो होता है एन सी आर होता है, ये बात आपको पता है। एंड आर सबसे मेन चीज़ होती है इसमें, आर अगर आप निकाल लेते हो तो विद इन अ सेकेंड ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एंड आर कैसे निकालना है, आर निकालना है हमें एन ए माइनस आर अपॉन ए प्लस बी, इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे जो संख्या इंटीजर दिया होगा उसका मल्टीप्लाई आपने इससे करना है एंड माइनस ये कर देना है। अगर इंडिपेंडेंट टर्म दिया गया तो ये भी नहीं करना पड़ेगा एंड अपॉन में आपने इन दोनों को जोड़ देना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स होल टू पावर नाइन। एंड पहले मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सारे एनडीए के पास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए यार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एन मीन्स नाइन सी एंड यहाँ पे आर हमको लिखना है सबसे पहले, चूंकि इंडिपेंडेंट टर्म कहा गया तो हमारा जो कैपिटल आर है कैपिटल आर जीरो हो जाएगा। सो इसको कैसे करेंगे, 9 इंटू टू, मैंने क्या बताया था n इंटू ए होता है, तो 9 इंटू टू अपॉन इसका एंड इसका एडिशन कर देते हैं तो 2 प्लस वन। ये आप माइंड में भी कर सकते हो, है ना, ये मैं अभी पहली बार आप कर रहे हो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9C6। ऑप्शन नंबर ए हमारा देखोगे 9C6 दिया हुआ है तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यार सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, ये भी एनडीए का पास्ट ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स होल टू पावर 15 देन इंडिपेंडेंट टर्म। सो यार इंडिपेंडेंट टर्म इसमें कैसे निकालते हैं ये आपको बात पता चल गई होगी अभी तक, तो 15 सी आर की जगह पे यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 15 इंटू टू अपॉन 2 प्लस 3 मीन्स 15 इंटू टू 30 अपॉन 2 प्लस 1 3, ये कितना हो गया 15C10 मीन्स, यार अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 3003। ये आप कर लेना एंड आप देख रहे हो यार कितनी जल्दी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस थर्ड क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ एंड अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो यार एनडीए के आप हाफ एंड ओन क्वेश्चन खुद से कर लोगे विद इन अ सेकेंड। तो यहाँ पे ये क्या है, पी एक्स रेस्ट पावर ए प्लस क्यू एक्स रेस्ट पावर बी होल टू द पावर एंड देन कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर आर, आर की सेम वैल्यू रहेगी एन ए माइनस आर अपॉन ए प्लस बी, लेकिन इसके फॉर्मूले में कोफिशियंट बताया था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, एन सी आर एंड पी रेस्ट टू पावर एन माइनस आर। यहाँ पर जो होगा उसकी पावर एन माइनस आर कर देना है, आर चूंकि आप निकाल लोगे इस ट्रिक के माध्यम से। सो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू रेस्ट टू पावर आर। चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करके अभी देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10 देन इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स। सो यार इस क्वेश्चन को अभी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर आप करोगे तो देखोगे एन 10 सी आर अगर आप निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा ये 10 इंटू वन बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 हो गई। अभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे देखो p 1 है एंड यहाँ पे q कितना है, q है 1 बाई 3 मेरा, q है ये 1 बाई 3, ठीक है। एंड यहाँ पे q लिख दिया एंड q रेस्ट टू पावर r लिखनी है अभी r, तो यहाँ पे r जल्दी से निकाल लेते हैं 10 सी 5 अपॉन 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 10 सी 2, यहाँ पे 1 हम नहीं लिख रहे हैं एंड 1 बाई 3 रेस टू पावर 2, यही r लिखना था ना हमको, r लिख लिया। अभी 10 सी 2 की वैल्यू आपको पता है 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 बाई 9, ये कितना हो जाएगा यार, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं, तो 5 हो जाएगा। आंसर नंबर ए आप देख रहे हो 5 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आज के वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।